हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में टिप्स ऑन लाइफस्टाइल। सो आज हम बनाएंगे मसाला मैगी। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। ये बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम चीज़ों में बनके तैयार हो जाती है। ये बच्चों को तो बहुत पसंद होती है और साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक कट किया है, फिर दो हरी मिर्ची जो भी बारीक कट की हुई और कुछ करी पत्ते और एक बड़ा टमाटर, इनको फाइन चॉप कर लेना है एकदम। दो मैगी ली है मैंने यहाँ पे और ये जो उसके साथ टेस्ट मेकर आता है वो। तो गैस पे सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें मैंने दो बड़े चम्मच तेल डाला है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें करी पत्ते डाल दीजिए। करी पत्ते डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाले हैं, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने दें। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता था उसके बाद यहाँ पर हम मिर्ची डालेंगे। आप देख सकते हो प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैंने यहाँ पर मिर्ची डाल दी है। अच्छे से चलाएंगे इनको। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रहने दीजिए, फ्लेम हाई नहीं करना है। और जैसे ही प्याज पक जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर, दो तीन मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर गलने लग गए हैं, पर ये अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच नमक। नमक उस टेस्ट मेकर में भी होता है इसलिए ध्यान रखें नमक कम डालें। फिर इसको मिलाएंगे अच्छे से, दो तीन मिनट इसको अच्छे से चलाना है और फिर इसमें टेस्ट मेकर डालना है। मैं यहाँ पे दो टेस्ट मेकर यूज़ कर रही हूँ, दो मैगी और दो टेस्ट मेकर डालना है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद इसको चलाना है अच्छे से, दो तीन मिनट अच्छे से चलाएंगे। अब आप देखेंगे मसाला अच्छे से पक गया है और उसमें साइड में तेल आ गया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पानी में बॉईल आने के बाद यहाँ पे मैगी ऐड करेंगे। इसमें देखिए पानी में बॉईल आ गया है तो मैं यहाँ पे अब मैगी ऐड करूँगी। इसमें आप चाहें तो मैगी तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। मैं तोड़ के मैगी ऐड कर रही हूँ। फिर इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा, तब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। धीरे धीरे इसको प्रेस करके चलाएंगे। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी यूज़ किया है। आप कम और ज़्यादा बना रहे हो तो उस हिसाब से पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मसालों का यूज़ कम कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मटर या फिर और भी वेजिटेबल अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, मटर, गाजर। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये बेसिक वेजिटेबल से बनाई है, ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हैं कि पानी सूखता जा रहा है धीरे धीरे। मैं इसको खुला ही पका रही हूँ और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पानी थोड़ा सा ही बचा है। अब पानी एकदम सूख गया है, मैगी एकदम बनके तैयार है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और मैगी को किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये मैगी एकदम बनके तैयार है, पानी एकदम सूख गया है। इसके ऊपर से मैं यहाँ पर धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ, आप ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैगी एकदम बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और इजी है बनाने में और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद
लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।